हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आपका खाता एसबीआई में है तो किस तरीके से आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस काम के लिए अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। अगर आपने एसबीआई योनो एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है और आपने इसमें रजिस्टर कर रखा है तो आप यहीं से ही अप्लाई कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब एक्चुअली में होता क्या है, योनो एप्लीकेशन को आप दो तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप एटीएम कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा तरीका है आप ब्रांच जाकर और वहां पर आप वेरीफाई कराकर ओटीपी को और आप अपने मोबाइल में योनो एप्लीकेशन को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक्टिव कर ली है यानी कि आपके मोबाइल में योनो एप्लीकेशन स्टार्ट है तो आप यहीं से ही एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका एटीएम कार्ड है 10 से 15 दिन में आपके घर पर या फिर आप जो भी पता देंगे वहां पर आ जाएगा। तो किस तरीके से अप्लाई करना है चलिए जान लेते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं इस मोबाइल की जो स्क्रीन है बराबर में शो हो रही है, तो यहाँ पर मैंने अपना जो एम पिन है वो डाल के यहाँ पर ओपन कर लिया है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता होगा। आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा कार्ड, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा माई डेबिट कार्ड और आपको माई क्रेडिट कार्ड, इसी के साथ में माई प्रीपेड कार्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं माई डेबिट कार्ड की, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा माई डेबिट कार्ड। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट ए न्यू कार्ड। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपका एक न्यू कार्ड है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे जैसे कि सिलेक्ट कार्ड, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे जैसे कि रुपया कार्ड और यहां पर वीजा कार्ड, मास्टर, ग्लोबल कार्ड। ठीक है, अब यहां पर जौन सा भी जितना बड़ा आप कार्ड लेंगे उसी के हिसाब से ही आपको फीस यहां पर लगेगी। ठीक है, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप यहां पर वीजा कार्ड ले सकते हैं, मास्टर कार्ड ले सकते हैं। अगर आप भारत से बाहर जाते हैं तब, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं किसी दूसरे देश के लिए तब भी आप यहां पर वीज़ा कार्ड को ले सकते हैं। ठीक है, और आप यहां पर जैसे कि दूसरे कोई देश की वेबसाइट है जैसे कि डॉलर वगैरह में पेमेंट करनी पड़ती है तो आप यहां पर वीज़ा कार्ड ले सकते हैं। और आपको डॉलर वगैरह में पेमेंट करनी नहीं पड़ती है तो आप रुपये जो कि ग्लोबल कार्ड ले लीजिएगा, ये सबसे अच्छा है, इसके जो चार्जेस हैं वो कम लगते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, 2024 से 1 अप्रैल से जो कि आपके क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है उसकी फ़ीस है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आखिर कितनी कितनी यहाँ पर फ़ीस बढ़ाई गई है। ठीक है, तो आपको जो भी कार्ड चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कार्ड पर नेम क्या चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो आपका कार्ड है वो यहाँ से न्यू कार्ड अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद में 10 से 15 दिन में आपके घर पर या फिर जो भी एड्रेस होगा वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप एक न्यू कार्ड यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अगर आप नया कार्ड यहां पर लेते हैं तो सालाना आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 236 रुपए देने पड़ेंगे। पहले था कि आपको 147 रुपए देने पड़ते थे, पर 2024 में 1 अप्रैल से ये रूल यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, जो कि आपको एक कार्ड अगर आप रखते हैं तो सालाना आपको 236 रुपये देने ही होंगे अगर आप एटीएम कार्ड को यूज करेंगे तब। इसी के साथ में अगर आप अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपसे बैंक अलग चार्ज लेती है। ठीक है, इसी के साथ में आपको एक बात और भी बता दूँ, जैसे कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तब तो आपको यहाँ पर जो ब्याज है बैंक देती है, और आपका करंट अकाउंट है तो वहाँ पर आपको ब्याज भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली से बैक करता हूँ और बैक करने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर यहाँ पर कितना हमें पैसा मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि इंटरेस्ट रेट है वो बैंक दे रही है यहाँ पर 2.7 लगभग यहाँ पर, यानी कि अगर आपके बैंक में 2 लाख रुपए यहाँ पर जमा होंगे, 1 लाख रुपए जमा होंगे तो वहाँ पर आपको 2000 लगभग 700 रुपए यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, एक साल में, तो यहाँ पर इतना तो ये बैंक है वो ब्याज देती है। ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पर सेविंग अकाउंट है इसलिए दे रही है, अगर आपका करंट अकाउंट है तो वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो ये चेक कर लीजिएगा कि आपका अकाउंट कौन सा है, अगर करंट अकाउंट है और आपको करंट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे सेविंग अकाउंट में बदलवा लीजिएगा।
बदलवाने के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं, और चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर आपको एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, ताकि अगर आपका कोई करंट अकाउंट है और आप नहीं चाहते हैं करंट अकाउंट, तो आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट में भी उसे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।